तो ये कहानी है एक ऐसे दुनिया की जो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है, और इस दुनिया में एक वर्चुअल गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और उस गेम का नाम यूनियन है, और सभी इंसान उस गेम के लिए बहुत ज़्यादा पागल होते हैं। इसी बीच हम उसी गेम का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को पता चलता है कि एक टीम ड्रैगन लूरे क्वेस्ट को करने की कोशिश कर रही है जिसे कम्प्लीट करने में पिछली सभी इलाइट टीमें फेल हो गई थी। तभी हम उसी टीम का सीन देखते हैं जो कि 6 लोगों की टीम होती है और उनकी टीम का नाम सुबारू होता है, और उनमें से हर एक के पास अपनी एक खास काबिलियत होती है और वो लोग उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा देते हैं क्योंकि उन लोगों की टीम यूनियन गेम की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है। इसके बाद हम हारुतो को देखते हैं जो सुबारू टीम का लीडर होता है, और वो अपने साथियों को एक क्वेस्ट के बारे में बता रहा होता है जिसे आज तक कोई भी टीम क्लियर नहीं कर पाई थी। इसलिए हारुतो उस क्वेस्ट को पूरा करने का फैसला करता है ताकि उनकी टीम यूनियन गेम की नंबर 1 टीम बनी रहे, जिस पर सासाकी उस क्वेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जमा करने लगती है और हारुतो को एक रिंग प्रेजेंट के तौर पर देती है क्योंकि वो हारुतो को पसंद करती थी। इसके बाद वो सभी अपने नए क्वेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट लेने शॉप पर जाते हैं। इसी बीच सासाकी देखती है कि हारुतो और असासी वहाँ से गायब हैं, जिस पर सासाकी उन्हें ढूंढने जाती है। तभी उसे हारुतो और असासी दिखाई देते हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिस पर सासाकी छिप कर उनकी बातें सुनने लगती है और वो देखती है कि असासी हारुतो को प्रपोज कर रही है और हारुतो भी असासी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे सासाकी का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी डार्क कैसल के क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सासाकी अभी भी असासी और हारुतो के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे उस किंगडम में मौजूद सारे ट्रैप्स और मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं क्योंकि असासी के पास फ्यूचर साइट की एबिलिटी होती है जिससे वो भविष्य देख सकती थी, और यही एक कारण था जिससे उनकी टीम यूनियन की सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम बन पाई थी। इसी दौरान वो सभी उस डंजन के बॉस रूम में पहुँच जाते हैं और उस डंजन का बॉस उनके सामने आता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो उन सभी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर वो सभी उस अटैक से बच जाते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और उसे कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी वो बॉस मॉन्स्टर नाजुमी पर अटैक करता है जो एक मॉन्स्टर को समन कर रही थी, पर हारुतो उसे बचा लेता है, लेकिन इसमें हारुतो थोड़ा घायल हो जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर हारुतो को जान से मारने वाला होता है, पर तभी असासी बीच में आकर हारुतो को बचा लेती है, लेकिन इसमें वो खुद मारी जाती है और उसका अकाउंट डिलीट हो जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह उस बॉस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं और उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो सभी असासी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, जिस पर वो सभी उसके घर जाकर असासी को मनाने का प्लान बनाते हैं। पर जब वो असासी के घर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि गेम खेलने के दौरान असासी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, और हारुतो की पूरी टीम इसका जिम्मेदार हारुतो को मानने लगती है क्योंकि हारुतो की लापरवाही के कारण ही असासी की जान चली गई थी, जिस वजह से वो सभी यूनियन गेम खेलना छोड़ देते हैं। फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हारुतो अब बड़ा हो गया था। तभी उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे गेम में बुला रहे थे क्योंकि उनकी टीम में क्वेस्ट के लिए एक मेंबर कम पड़ रहा था, पर हारुतो उन्हें ज्वाइन करने से मना कर देता है और ब्रेकफास्ट करने जाता है। इसी दौरान हारुतो को टीवी से पता चलता है कि वो जो यूनियन गेम बचपन में खेलता था उसके ऑनर्स ने रीयूनियन नाम से एक नई गेम लॉन्च की है जिसे सिर्फ स्पेसिफिक प्लेयर ही खेल सकते हैं जिनके पास सेंस की पावर हो, जो सुनकर हारुतो को अपने पास्ट की याद आ जाती है और वो वापस से अपने कमरे में चला जाता है। तभी फिर से उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है जो उसे बार बार रीयूनियन गेम के अंदर बुला रहे होते हैं, जिस पर हारुतो उनसे परेशान होकर उस गेम में लॉगिन कर लेता है और उनके साथ एक बिगिनर क्वेस्ट पर जाता है, और उसके दोस्तों के पास सेफ शिफ्टर और मैजिशियन क्लास की पावर होती है। तभी उन पर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं जिन्हें देखकर हारुतो के दोस्त वहां से भागने लगते हैं, पर हारुतो उन मॉन्स्टर को देखकर नहीं भागता और बड़ी आसानी से उन मॉन्स्टर को जान से मार देता है, और उसके दोस्त देखते हैं कि हारुतो इस गेम में काफ़ी माहिर है। तभी हारुतो को कुछ अजीब सा एहसास होता है और अचानक से वो पूरा डंजन ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिस पर हारुतो को लगता है कि यह शायद कोई बग है क्योंकि रीयूनियन कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ था, और वो सभी एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एक ट्रेजर बॉक्स मौजूद होता है, जिस पर हारुतो उस ट्रेजर बॉक्स को खोलता है
और वो उसके अंदर रखी चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर असासी की बॉडी होती है जिसकी रियल वर्ल्ड में डेथ हो गई थी। तभी असासी को होश आता है, लेकिन हारुतो को लग रहा होता है कि शायद से यह असासी कोई बेहरूपिया है जो असासी का रूप लेकर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, जिस पर असासी हारुतो को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो कोई बेहरूपिया नहीं है। लेकिन हारुतो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो असासी से कहता है कि अगर वो असली असासी है तो वो पिछले 6 सालों से कहाँ गायब थी, जो सुनकर असासी बहुत हैरान होती है और हारुतो से पूछती है कि आखिर तुम कौन से 6 सालों की बात कर रहे हो, क्योंकि हमने कल ही तो एक गेम खेला था, जो सुनकर हारुतो बहुत हैरान हो जाता है और असासी से उसके पास्ट की मेमोरीज के बारे में पूछता है, जिस पर असासी हारुतो को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर हारुतो को यकीन हो जाता है कि यह असासी कोई बेहरूपिया नहीं है। लेकिन हारुतो को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जब असासी असली दुनिया में मर गई है तो ये यहाँ पर कैसे मौजूद है, जिस पर हारुतो असासी को गेम से लॉग आउट करने को कहता है, पर असासी देखती है कि वो गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रही है, जबकि हारुतो आसानी से गेम से लॉग आउट कर पा रहा था। और साथ ही हारुतो असासी को यह भी दिखाता है कि उसकी मौत को 6 साल बीत चुके हैं, जिस पर हारुतो रीयूनियन की गेम को इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा होता। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर असासी को लेने आए थे, क्योंकि वो उसकी फ्यूचर साइट की पावर का इस्तेमाल अपने क्लैन के लिए करना चाह रहे होते हैं, जिस पर हारुतो और असासी उनसे लड़ने लगते हैं, पर हारुतो काफ़ी लो लेवल का होता है इसलिए वो उन लोगों के आगे कमज़ोर पड़ रहा होता है, और दूसरी तरफ असासी किसी कारण से अपने फ्यूचर विज़न का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, जिससे वो आदमी उन पर भारी पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पर टाकोमोरी आ जाता है जो अब इल्यूमिनाटी क्लैन का लीडर बन गया था, और वो उस आदमी और उसकी टीम को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद टाकोमोरी असासी को उसके साथ उसके बेस पर चलने को कहता है, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था, पर टाकोमोरी हारुतो को उनके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में असासी की मौत के बाद से उन दोनों में आपस में कभी नहीं बनी, जिस पर असासी हारुतो के बगैर टाकोमोरी के साथ जाने से मना कर देती है, जो देखकर टाकोमोरी वहां से चला जाता है और हारुतो असासी को गेम वर्ल्ड में ही उसका इंतजार करने को कहता है, क्योंकि असासी गेम से लॉग आउट नहीं कर सकती थी। इसके बाद सासाकी हारुतो से मिलने आती है और उसे पूछती है कि क्या उसने दोबारा से रीयूनियन गेम खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने उसे बिगनर विलेज के बाहर देखा था, जिस पर हारुतो कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वो गेम खेलने गया था, पर वहाँ पर उसकी मुलाकात असासी से हुई जो अभी भी गेम वर्ल्ड में जिंदा है, जो जानकर सासाकी बहुत शौक होती है। फिर हारुतो सासाकी को बताता है कि पहले तो ये मामला टाकोमोरी को संभालने देने वाला था, लेकिन असासी ने टाकोमोरी के साथ जाने से मना कर दिया, इसलिए उसे अब खुद ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी, जिस पर सासाकी हारुतो को उसे भी असासी से मिलवा को कहती है और वहां से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गेम के अंदर सासाकी एक ब्रिज पर असासी और हारुतो का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर असासी और हारुतो आ जाते हैं और सासाकी असासी को जिंदा देखकर काफ़ी शौक होती है और असासी से कहती है कि आखिर वो जिंदा कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से रियल वर्ल्ड में उसकी लाश देखी थी और वो पिछले 6 सालों से हर दिन उसकी ग्रेव पर जा रही है, और यह सब जानकर असासी को काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो उन लोगों के सामने जिंदा खड़ी थी, पर तब भी उसके दोस्त उसे मरा हुआ बता रहे थे जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर सासाकी कहती है कि वो उसे बुरा एहसास नहीं कराना चाहती थी और उसे खुशी है कि असासी वापस आ गई है। लेकिन सासाकी को इस बात का डर होता है कि शायद से असासी एक बग है जो किसी भी वक्त गेम से मिटा दी जा सकती है, इसलिए वो उससे ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहती थी क्योंकि इससे उसे ही तकलीफ होगी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो असासी को पकड़ने आए थे, जो देखकर सासाकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अपने मैजिक से अटैक करके उन सभी को मार देती है। इसके बाद ये खबर उस क्लैन के लीडर को मिलती है जिससे वो काफ़ी निराश होता है। तभी वहाँ पर टाकोमोरी अपनी पूरी क्लैन के साथ आ जाता है और उस आदमी को धमकी देता है कि अगर वो दोबारा असासी के पीछे गया तो वो उसकी पूरी क्लैन को मिट्टी में मिला देगा। इसी दौरान हम सासाकी और असासी को देखते हैं जो अपने पुराने बेस पर जाते हैं और वहाँ पर अपना सामान ढूंढने लगते हैं। इसी बीच हारुतो ये सोच रहा होता है कि आखिर सासाकी का इस दुनिया में जिंदा होना कैसे मुमकिन है। तभी वहाँ पर एलिसिया नाम की एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर हारुतो सतर्क हो जाता है, क्योंकि एलिसिया के पास दिमाग पढ़ने की पावर्स थी और वो हारुतो को बताती है कि वो यहाँ पर उससे लड़ने नहीं आई है बल्कि उसे वार्न करने आई है, क्योंकि बहुत जल्द कई सारे पावरफुल क्लैंस असासी के पीछे आने वाले हैं और हारुतो को असासी को उन लोगों से बचाना होगा, क्योंकि असासी की जो फ्यूचर साइड की पावर्स है वो रीयूनियन के वर्ल्ड की पावर्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। जिसके बाद एलिसिया वहाँ से चली जाती है।
इसी बीच हम सासाकी और असासी को देखते हैं, जहाँ पर सासाकी असासी को उनकी ज़िंदगी से दूर चले जाने को कहती है, क्योंकि उसकी वजह से पहले ही उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदल गया था और असासी रियलिटी में तो मर ही गई थी। और इसका एक सबूत यह भी था कि असासी अपने फ्यूचर साइट का यूज़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका ब्रेन उसकी बॉडी तक सिग्नल नहीं पहुँचा पा रहा था। लेकिन असासी सासाकी की बात मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह ज़िंदा है। तभी वहाँ पर हारुटो आ जाता है, जो उन दोनों को शांत होने को कहता है और वहाँ से लॉग आउट करके चला जाता है। इसके बाद सासाकी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो हारुटो के घर उसे माफ़ी मांगने आती है और हारुटो को एक रिंग दिखाती है जो उन्होंने बचपन में अपने टीम के सभी मेंबर्स को दिया था। और उस रिंग को देखकर हारुटो को कुछ याद आता है और वो सीधे असासी की ग्रेप पर जाता है, जहाँ से उसे एक रिंग मिलती है जिसे उसने असासी को देने का वादा किया था। और उस रिंग को देखकर हारुटो असासी को किसी भी कीमत पर बचाने का फैसला करता है और टीम सुबारू को दोबारा से बनाने की सोचता है और सासाकी भी इस काम में उसका साथ देने को रेडी हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हारुटो असासी के साथ कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, क्योंकि उन्हें उन मॉन्स्टर के रेयर ड्रॉप आइटम चाहिए थे। और काफ़ी देर तक उन मॉन्स्टर से लड़ने के बाद उन्हें वो आइटम मिल जाता है, लेकिन इसमें असासी पानी में गिर जाती है, जिस पर हारुटो उसके पास जाता है। पर हारुटो देखता है कि असासी बिना कपड़ों के वहाँ पर होती है, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे। तभी वहाँ पर कुछ दूसरे प्लेयर आने लगते हैं, जिस पर हारुटो असासी को कवर करने लगता है ताकि वो लोग उसे देख न ले, जिस पर उन लोगों को लगता है कि हारुटो और असासी लवर हैं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद असासी उस ड्रॉप आइटम को लेकर एक ब्लैक स्मिथ के पास जाती है और उस आइटम को एक रिंग में बदलवा देती है और हारुटो को रिंग गिफ्ट करती है, पर हारुटो उस रिंग को असासी को ही दे देता है। इसके बाद वो लोग सासाकी से मिलने जाते हैं, जहां पर असासी के हाथ में वो रिंग देखकर सासाकी को थोड़ी जलन होने लगती है, इसलिए वो भी उन मॉन्स्टर का शिकार करके अपने लिए एक नई रिंग बनवाती है। इसके बाद वो सभी डार्क कैसल क्वेस्ट वाली जगह पर कुछ क्लू ढूंढने जाते हैं, क्योंकि वहीं पर असासी की डेथ हुई थी और पिछले 6 सालों से वो क्वेस्ट बंद था। तभी उन लोगों को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और हारुटो को एलिसिया दिखाई देती है, जो किसी तरह से डार्क कैसल के बॉस को वहाँ पर समन कर लेती है, जो उन पर अटैक करने लगता है, जिन पर उनके पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। और सासाकी उस मॉन्स्टर पर अपने मैजिक पावर से अटैक करने लगती है, पर उन अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो मॉन्स्टर सासाकी पर एक अटैक करके उसे जमा देता है, जिस पर हारुटो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्स्टर हारुटो को दूर उड़ा देता है और उसे मारने वाला होता है, जिस पर असासी उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है और उसके ऊपर छत गिरा देती है, लेकिन इसमें असासी भी घायल हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर वापस से रिकवर हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान हारुटो को वही रिंग दिखाई देती है जो 6 साल पहले असासी ने उसे दी थी, जिस पर वो उस रिंग को पहन लेता है, जिससे हारुटो की सेंस पावर वापस आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। इसी दौरान असासी अपनी फ्यूचर साइट की पावर का यूज कर पाती है और अपने साथियों को फ्यूचर दिखाती है, जिस पर हारुटो उस मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले ही उसे मार गिराता है। और सासाकी को भी अब यकीन हो जाता है कि असासी सच में जिंदा है, क्योंकि मरे हुए लोग अपने सेंस की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए सासाकी असासी के लॉग आउट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो लोग उस डंजन से बाहर आते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें असासी के लॉग आउट की मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले सुबारू के सभी मेंबर्स को एक साथ लाना होगा, लेकिन उनके सामने दिक्कत यह थी कि उन्हें नुजूमी और क्लेब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि 6 सालों से वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं थे। तभी सासाकी देखती है कि असासी के कपड़ों से एक रेड जेम निकलता है और उन्हें लगता है कि शायद से ये डार्क कैसल के बॉस का कोई ड्रॉप आइटम है, लेकिन असासी जैसे ही उस जेम को देखती है वो बेहोश होने लगती है और उन सभी को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ व्हाइट कपड़े वाले लोग असासी को किडनैप कर रहे होते हैं और एलिसिया उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, पर वो इसमें नाकाम रहती है और वो लोग उसे पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिस पर असासी उन्हें बताती है कि शायद से उन्होंने जो देखा वो असासी की पिछले 6 सालों की मेमोरीज है, लेकिन असासी इस बारे में श्योर नहीं थी। इसके बाद वो लोग अपने होटल में जाते हैं, जहां पर सभी लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन वो लोग उन्हें इग्नोर मारकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां पर सासाकी अपने एक डिवाइस से पता लगाता है कि पूरे सिटी में उनके डार्क कैसल के बॉस को मारने की खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिस पर वो लोग काफ़ी शौक
शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें डार्क कैसल के बॉस को मारे हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे, जिस पर वो उस आदमी का पता लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। पर असासी उन्हें ऐसा करने से रोकती है क्योंकि वो सबसे पहले पूरी सुबारू टीम को इकट्ठा करना चाहती थी। तभी सासाकी को नुजामी और क्लाइव का पता लगाने का एक आइडिया आता है और वो उनकी जानकारी लेने के लिए एक इन्फॉर्मर के पास जाने लगती है। तभी उन्हें कुछ लोग डर कर भागते हुए दिखाई देते हैं जो उन्हें बताते हैं कि साउदर क्रॉस क्लैन के लोग इस तरफ आ रहे हैं, जो कि रीयूनियन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में से एक थे, जिस पर हारूटो और उसकी टीम भी वहां से निकलने लगते हैं क्योंकि वो कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाह रहे थे। पर साउदर्न क्रॉस के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और असासी को उनके हवाले कर देने को कहते हैं। तभी वहां पर ब्रिल सोसाइटी भी आ जाती है और वो भी सबसे पावरफुल क्लैन में से एक थी, जो साउदर्न क्रॉस के लोगों को वहां से डराकर भगा देते हैं और हारूटो को एक ऑफर देते हैं कि अगर वो असासी को उनके हवाले कर देगा तो वो उन्हें जाने देंगे। पर असासी उनके साथ जाने से मना कर देती है, जिस पर ब्रिल सोसाइटी के लोग वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो असासी की मर्जी के बगैर उसे अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते थे। और इस सब की खबर टाकोमोरी को भी मिलती है, जिससे वो काफी गुस्सा होता है। इसके बाद हम सासाकी और हारूटो को देखते हैं, जहां पर हारूटो ने सासाकी को एक गेम कंसोल खरीदने में उसकी मदद करने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच करने जाते हैं, जहां पर सासाकी हारूटो से थोड़ी रोमांटिक बातें करने की कोशिश करती है, पर हारूटो पूरे टाइम असासी की ही बातें कर रहा होता है, जिससे सासाकी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन वो सभी रीयूनियन के अंदर दोबारा मिलते हैं और हेवन टावर पर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि असासी को पहली बार उसके फ्यूचर साइट की पावर वहीं से मिली थी, जिस पर वो सभी हेवन टावर पर जाते हैं और वहां के सभी मॉन्स्टर को हराते हुए सीधा बॉस रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बड़ा सा मेका रोबोट उनका इंतजार कर रहा होता है, जिस पर वो सभी मिलकर उससे फाइट करने लगते हैं और उसे काफी घायल कर देते हैं, जिस पर वो रोबोट वहां पर काफी कोहरा कर देता है जिससे वो कुछ देख नहीं पा रहे होते, जिस पर हारूटो सासाकी को लाइट मैजिक की मदद से उस कोहरे को हटाने को कहता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सासाकी को पकड़ लेता है, जिस पर असासी उस फॉग को हटाती है और हारूटो अपने लायन स्लैशेस से उस रोबोट को मार देता है और सासाकी को थोड़ा संभाल कर रहने को कहता है। पर सासाकी उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि सासाकी को फील हो रहा था कि वो उनके किसी काम की नहीं है। इसके बाद वो सभी उस टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं। तभी असासी को अपने इन्वेंट्री में एक अजीब सा आइटम दिखाई देता है जो पहले वहां पर मौजूद नहीं था, और वो आइटम उसी जेम की तरह दिख रहा था जो उन्हें डार्क कैसल से मिला था। तभी वहां पर टाकोमोरी आ जाता है जो असासी से उस जेम को ले लेता है क्योंकि उसे उस जेम से काफी खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी, जिससे असासी को खतरा हो सकता था। और टाकोमोरी हारूटो को असासी से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो बार बार उसकी जान को जोखिम में डाल रहा था, जैसे कि उसने डार्क कैसल में किया था, जिससे वो दोनों आपस में लड़ाई करके इस मैटर को सॉल्व करने का फैसला करते हैं, जिस पर टाकोमोरी हारूटो और खुद को एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको जानना है कि वो रेड जेम क्या चीज है और असासी के साथ 6 साल पहले क्या हुआ था, तो इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।